Hello students, this is Firdos. As you all know that I am your math teacher. So today I am going to teach you class 10 mathematics. So to, our topic is uh, revisiting the rational numbers and their decimal expansion. So in this class we are going to know about the uh, without any actual division, how can you identify the whether the given rational numbers have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. So without any further ado, let's start our class. सो हियर रिविजिटिंग द रेशनल नंबर हम फिर से रिविजिट करते हैं रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं एंड दियर डेसीमल एक्सपेंसन उसके डेसीमल एक्सपेंसन के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस क्लास में तो फर्स्ट यहाँ पर आपका गिवन है uh, थियरम फर्स्ट क्या कहता है लेट एक्स बी आ रेशनल नंबर एक्स बी आ रेशनल नंबर हुज डेसीमल एक्सपेंसन इज टर्मिनेट्स जब उसका डेसीमल एक्सपेंसन क्या होगा टर्मिनेट्स करेगा then x can be expressed in the form of p by q then x can be expressed in the form of p by q where p and q are the co prime as you all know that the uh, p and q uh, are, is a rational number where p and q are the co prime co prime means uh, as we discussed in our talked about in our previous class that uh, p and uh, co prime is what the prime factorization is oh, sorry uh, hcf of a two numbers is 1 then the number the, the pair of number is said to be a co prime

सो हमको यहाँ पे रिकगनाइज करना है वेदर द थ्री बाई एट इज हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन और ए सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सो वेन एवर यू प्राइम फैक्टराइज द एट यू गॉट अ टू टू दावर क्यूब टू टू जा फोर फोर टू एट सो हियर हियर सी इफ यू हैव यू गॉट द टू टू द थ्री दैन टू फॉर्म दिस डेसिमल इन टू अ टर्मिनेटिंग यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ अ फाइव थ्री फाइव ओके जो यहाँ पे टू टू थ्री पावर थ्री है अगर मैं तीन तो, तीन टू के साथ अगर मेरे पास थ्री टूज है तो उसके साथ अगर मैं आ, तीन और फाइव को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैंने मुझे क्या देगा टेन इंटू टेन इंटू टेन डेट इज़ वन थाउजेंड देगा और जिसका भी डेसिमल डेसिमल फ्लैक्शन अगर हो रहा है तो आपका टर्मिनेट होगा ही तो जितना आपके आप सपोज करो यू गॉट अ टू टू दावर थ्री देन यू हैव टू मल्टीप्लाई फाइव टू दावर थ्री फ्रॉम दिनिनेटर एंड डिनोमिनेटर सो नाउ यू गॉट थ्री इन टू फाइव टू द पावर थ्री एंड दिस विल गिव यू वन थाउजेंड सो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा लेकिन कितना तीन डेसिमल प्लेस तक इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो सो आप यहाँ पे आप निकाल ट्वेंटी थ्री इंटू फाइव हाइज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव जब वन ट्वेंटी फाइव वन थाउजेंड सो आपको टर्मिनेट करके दिखाना भी है यहाँ पे थ्री फाइव जब फिफ्टीन वन थ्री टू जर सिक्स वन सेवन थ्री वन थ्री ओके सो हियर वन थाउजेंड सो यू हैव जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव एज यू ऑल नो देट वेन एवर यू हैवोटर मल्टीपल ऑफ टेन डेट मीस यू हैव टू पुट अफ जीरो थ्री जीरो दट मीन्स यू हैव टू पुट अ पॉइंट बिफोर थ्री डिजिट आप डिवाइड करके भी देख लेना आपको जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव भी आएगा जी टर्मिनेट है आपका टर्मिनेट हो चुका है तो इस तरह से आप इसको फाइन कर सकते हो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे थर्टीन बाई वन ट्वेंटी फाइव सो so, आप जब 125 का प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको आएगा क्या 5 टू द पावर क्यूब डैट मीन्स यहाँ पे आपको इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाने के लिए थ्री फाइव है डैट मीनस थ्री टू से मल्टीप्लाई करना है विद द बोथ डोमरेटर एंड द डिनोमिनेटर सो हियर यू गॉट 13 इन टू एट एंड हियर फाइव टू जन फाइव टू जन फाइव टू दैट इज वन थाउजेंड वन थाउजेंड आ गया आपके पास सो so, यहाँ पे आपका थर्टीन एट जा वन हंड्रेड फोर एंड हीयर वन थाउजेंड सो यू गॉट वन ज़ीरो फोर सो इस तरह से आप इसको बना सकते हो ये इस आपका थेरम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने ले रखा फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी एट बाई सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सो जब भी आप सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का प्राइम फेक्टराइज करोगे तो फाइव टू फाइव टू दावर फोर आएगा देख लो आप करके एक बार है ना प्राइम फेक्टराइज आप एज यू ऑल नो हाउ टू डन फाइव वन फाइव टू जै टेन एंड फाइव ट्वेंटी फाइव एंड फाइव ट्वेंटी फाइव जा एंड फाइव फाइव जा एंड फाइव वन जा सो हेयर यू है फोर फाइव सी सो हियर सो टू मेक अ परमानेंटिंग डेसीमल यू हैव टू मल्टीप्लाई विद अ फोर टू फोर टू से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इन टू टूर फोर क्यों करते हैं देखो क्योंकि इसको टेन के फॉर्म में इसके साथ एक टू बैठा दो इसके साथ एक टू बैठा दो, दो एक टू इसके साथ बैठा दो एक टू इसके साथ आप बैठा दो तो क्या आ जाएगा आपके पास टेन 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 आएगा टेन आएगा टेन आएगा टेन आएगा, आएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास टेन टेन तो टेन थाउजेंड आ जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन वन फोर फाइव एट एट इंटू सिक्सटीन बाय टेन थाउजेंड ओके टेन थाउजेंड तो यहाँ पे आप डेसिमल एक्सपेंशन करके आप इसको बना सकते हो इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर इसको डिवाइड कर दो तो इजीली बना बना सकते हो आप तो ये आपका थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग आप डेसीमल आपको रिक्गनाइज भी कर सकते हो कि, कि आपका टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और उसके बाद उसको बना के भी दिखाना है कि किस तरह से उसका डेसीमल एक्सपेंसन कितना तक जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट आपका थ्योरम है नेक्स्ट टर्म यू हैव दैट इज लेट एक्स इज अ पी वाई एक्स इज इक्वल टू पी वाई क्यूर पी एंड क्यू आर द को प्राइम्स बी आर रेशनल दिस इज योर रेशनल प्राइम फैक्टाइशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑन द फॉर्म टू इन टू फाइव टू दिवर एन एंड फाइव टू दिवर एम देन एक्स एज अमल एक्सपेंसन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग अगर आपका आपका टू टू दाइम फैक्टाइशन है डिनोमिनेटर का लेट इज क्यू का अगर आपका इस फॉर्म में नहीं आता है तो आप उसको नहीं कर सकते हो जैसे सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे ले रखा क्या टू टू दू स्र इंटू फाइव टू दावर सेवन इंटू सेवन टू दावर फाइव सेवन एवर फाइव तो यहां के फॉर्म में तो आपका है यहां पे तो ये आपका है ये तो मिल रहा है बट यहाँ पे एक्स्ट्रा सेवन भी है ना इन दोनों के अलावा कुछ भी रहेगा तो वो नहीं हो सकता है तो दिस इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल

आ सकता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो जो आपका हो रहा है तो ये आपका देखने तो लग रहा था कि नहीं है फॉर्म में बट आपका ये हो चुका है ठीक है तो इस तरह तो से भी कर सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, और टू, आना चाहिए। और टू के अलावा अगर कोई और भी अगर वहां पे आता है प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो नहीं होगा सपोज करो आप प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो टू टू दावर फोर आया और थ्री आया तो आप ये नहीं करना कि फाइव टू दावर फोर मल्टीप्लाई करके मेरा बन जाएगा नहीं होगा ये वाला नहीं है अगर ऊपर पॉसिबिलिटी है ये थ्री से अगर कुछ चांसेस है कि ये आपका डिविजिबल हो सकता है ऊपर वाला देन यू कैन परफॉर्म बट अगर आपका नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो ठीक है तो फिर इस तरह से आपका टू टू जी फोर सपोज करो थ्री टू जीवर फोर आ गया तो आपका तो यहाँ पे कुछ नहीं, नहीं, कुछ भी हो आपका ये डिविजिबल नहीं हो रहा है तो थ्री लेफ्ट हो जा है में, तो फोर है, तो आप इसको टू टू पावर फोर से नीचे और टू टू फोर से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो सो एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर जो आपका है टोटली बेस्ड है आपका इसी

i hope you all are understand uh, so today uh, we have completed our chapter first so uh, revise it uh, and learn it properly exercise uh, so chapter 1 a real number we have done today so uh, and in next session we will going to learn our uh, next chapter that is polynomials okay so class thank you